अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 20 जुलाई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और 21 जुलाई को वो अमेरिका पहुंचेंगे और 22 जुलाई को बहुत अहम मुलाकात होगी उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। आपको बताता चलूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये दौरा ख़ास तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर कर रहे हैं। तज़ियाकारों की बात की जाए तो तज़ियाकार जो हैं उमूमी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को आपस में मिलाते भी हैं और यही कहा जाता है कि ये दोनों की आपस में बहुत अच्छी निभ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की हमारे से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, यानी पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है अमेरिका और पाकिस्तान अमेरिका से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या ये जो मुलाकात होगी, ये जो दौरा है, ये अफगानिस्तान पे फोकस होगा या फिर पाकिस्तान के मामलात, खित्ते के मामलात और दीगर मामलात भी जेरे बहस आ सकते हैं, क्योंकि अफगान अमन अवल में अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। किस तरह का किरदार अदा कर सकता है, इससे पहले जो भी चीज़ें होती रहीं वो पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुँच सकें, ये भी आज हम बात करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर भी बात करेंगे कि अमरीका कैसे देखता है इन ताल्लुकात को, सीपैक को कैसे देखता है और दूसरा गवादर को अमेरिका कैसे देखता है। रशिया की जानिब से भी आज दावत दी गई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को दौरे की, तो अब मामलात कैसे होंगे। और हम आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि जो एम्बेसी है पाकिस्तान की अमेरिका में, उसके हालात कैसे हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साजिद तारड, बहुत क्लोज हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, एडवाइज़र टू डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन भी रहे हैं। उस वक्त जब ट्रंप पर मुसलमान मुखालिफ होने का इल्ज़ाम था तो मुसलमानों की तरफ से ना सिर्फ इन्होंने तकरीर की थी बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दुआ भी की थी। साथ साथ फाउंडर हैं मुस्लिम अमेरिका फॉर ट्रंप के और चेयरमैन हैं मुस्लिम ऑफ अमेरिकन के भी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। साजिद साहब, सबसे पहला सवाल और बेसिक सवाल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देखें सब, पाकिस्तानी हुकाम ने, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने अफगानिस्तान में अमेरिका की काफ़ी हेल्प की और सबसे बड़ी ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2020 इलेक्शन से पहले उनका वादा था, उनके मैंडेट का हिस्सा था कि वहाँ से ट्रूप्स वापस ले जाएँ, सीरिया से वापस ले जाएँ और उसमें पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल। और मेरे ख्याल इसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे हैं और आज ये मुमकिन हो सका है कि हमारे पीएम साहब आज अमेरिका जा रहे हैं और बड़े पुरवकार तरीके से जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि जब शुरू में आए थे अमेरिकन सदर, उस वक्त पाकिस्तान पर तनकीद की गई, ट्वीट किए गए और फिर जवाबी ट्वीट भी सामने आए, तो अब आप क्या समझते हैं ये तमाम जो बर्फ़ थी वो पिघल चुकी है, अब जो तनाव था वो ख़त्म हो चुका है? मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, तनाव काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पाकिस्तान ने एक वाइटल रोल अदा किया है अभी तक अमेरिका को तालिबान के साथ सामने लेके आने में, लेकिन उसमें अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एतमाद की फ़िज़ा स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मेरे ख्याल में ये दोनों रिलेशनशिप फ्यूचर में और ज़्यादा मजबूत होंगे और हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर वैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है उसको कितना स्ट्रांग देखा जाता है और क्या समझते हैं अभी आगे मामलात जो हैं वो हल हो सकते हैं और उस तरफ जा सकते हैं। अगर आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, ट्रूप्स की वापसी की बात की थी, बल्कि मेन हिस्सा रहा है, तो अब ये हल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान की बात की जाए उस पर जंग की बात भी होना शुरू हो गई थी, तो कहीं ईरान की तरफ ये मामला तो नहीं जा रहे हैं? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब इज़ वेरी पॉपुलर इन अमेरिका, पीपल इवन देन उनका कई दफ़ा नाम किसी को आए बट दे ऑलवेज रिमेंबर द क्रिकेट प्लेयर, दे ऑलवेज इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द जनरल मैसेज। और उसमें अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिकन मैसेज लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और वेस्ट, ये सारे इमरान खान को एक चांस देना चाहते हैं और चाहते थे, क्योंकि उन्होंने नए पाकिस्तान का नारा लगाया। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑन द सेम पेज और वेस्ट और अमेरिका इसको एक बड़ी अच्छी खुशाइंद बात समझता है और मेरे ख्याल में अच्छी बात है ये। और मजीद इसमें बेहतरी आएगी
दूसरा आपका सवाल था, आप रिपीट करेंगे दूसरा? अच्छा, ओवरऑल मैं बेसिक तौर पे जो गवर्नमेंट का तासुर था उसकी बात भी कर रहा था, और तासुर इस हवाले से भी है कि अभी तक पाकिस्तान ने जो कुछ किया है अफगानिस्तान के मामलात में उसको अमेरिका कैसे देखता है, उसको अच्छी निगाह से देखता है? जो कोशिशें की गई हैं अफगान अमल के लिए, वो समझते हैं कि सॉलिड कोशिशें थीं? अमेरिका के अंदर ये तासुर है? अमेरिका के अंदर बिल्कुल ये तासुर है, स्पेशली करंट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इस चीज़ को समझा है कि पाकिस्तान एक पार्टी है इस टेबल पर, और पाकिस्तान के पास सलाहियत है कि तालिबान को टेबल पर लेकर आएँ, और पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया है बहुत पॉजिटिव, जिसकी वजह से आज अमेरिका इस चीज़ में ऑलमोस्ट 70% कहा जा रहा है कि द डील इज़ वेरी क्लोज टू बी सेटल्ड। और इसी वजह से मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खत लिखा शुक्रिया का प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने मिस्टर पॉम्पियो के जरिए इनविटेशन भेजी प्राइम मिनिस्टर को, और मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं लेकिन बड़े वकार के साथ, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ठीक, मैं मजीद भी इस हवाले से बात करूंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। कैपिटल स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। साजिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहे थे, और अफगानिस्तान के में अमन अमल के लिए पाकिस्तान किस तरह का रोल अदा कर सकता है, इससे पहले भी साजिद साहब बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, क्या समझते हैं क्या वजूहात थी कि जो अफगान के अंदर जो अमन अमल था वो पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका? देखिए, कुछ लोग यहाँ पाकिस्तान की तहवील में थे जो उन्होंने अमेरिका की रिक्वेस्ट पर जो उन्होंने खासकर उनके साथ कोऑपरेशन में उनको छोड़ा और उन्होंने जाके ये हेल्प की नेगोशिएशन में, दैट वाज अ वेरी फर्स्ट स्टेप एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। ओके, और उसके यहाँ यहीं से अफगान प्रोसेस एक शुरू हुआ था, और रिसेंटली अफगानिस्तान से मुख्तलिफ पार्टियों को जो बुलाया गया और मरी में जो कॉन्फ्रेंस की गई, दैट वाज अ सेकंड स्टेप। तो ये सारी चीज़ों के साथ एक एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो रही है अमरीका के साथ, और मेरा ख्याल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सर, इससे पहले भी बहुत सी कोशिशें की गई, मेरा सवाल यही था कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कोशिशें की गई, तो क्या समझते हैं क्या वजूहात थी, क्या दोनों को एतमाद नहीं है, तीनों को, मतलब के अफगानिस्तान को की मैनेजमेंट को, या वहां पे जो एक जमहूरी हुकूमत है तालिबान की अलग से है उनको पाकिस्तान पर या अमेरिका पर एतमाद नहीं है, अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, पाकिस्तान को किसी पर एतमाद नहीं है, एतमाद का फुकदान किस तरफ से है बेसिक तौर पर? मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान हैज नेगोशिएटेड इट वेरी वेल, ना सिर्फ अमरीका के साथ अफगानिस्तान के साथ उन्होंने पॉलिसी अपनी को दोबारा थोड़ा तरमीम किया उसमें, और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल में अब अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और वो और पाकिस्तान अब चाहता है कि पूरा अमन अफगानिस्तान आगे आए, वहाँ पे भी अमन हो, वहाँ पे इलेक्शन हो। गनी साहब का दौरा अभी रेटली इन पाकिस्तान इस चीज़ का गवाह है कि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमेरिका दे आर ऑन द सेम पेज, और मेरा ख्याल है इस खत्ते के अमल के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत अच्छे इकदाम हो रहे हैं, और वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शंस। ऑलराइट, अब एक और सवाल अफगानिस्तान के अंदर जो मैं बात कर रहा था, जमहूरी जो कुवतें हैं उनका उनका क्या अमेरिका पे एतमाद है, और दूसरा तालिबान क्या अमेरिका पे एतमाद करते हैं आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में तो 70% डील जो है वो हो चुकी है, बाकी 30% अभी नेगोशिएट होगी, मेरे ख्याल में तालिबान दे आर कमिंग अलोंग। अच्छा, ओके, आपने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अमन से जोड़ा, बिल्कुल, बल्कि पूरे खित्ते का अमल अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन माय पॉइंट इज दैट कि ये मुमकिन कैसे है, क्या क्या चीजें होंगी तो ये अफगानिस्तान में अमन मुमकिन होगा, क्योंकि तालिबान अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, बड़ी कसीर तादाद में मौजूद है, बहुत बड़े इलाके में उनकी अभी भी चलती है, तो ये मुमकिन कैसे होगा? क्या अफगानिस्तान से अमेरिका फौजें वैसे ही वापस बुला लेगा और उस पर वहां पर जो जमहूरी हुकूमत है उसको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो निकालता है फौजें तो वहां पर उनकी पोजिशन मुस्तहकम नहीं रहेगी? मेरे ख्याल में तालिबान अब लड़ाई से इन दूसरी चीज़ों से थक चुके हैं, वो भी वहाँ अमन चाहते हैं और वहाँ अफगानिस्तान की तरक्की के बारे में वो भी सीरियस स्टेप्स लेना चाहते हैं, और पाकिस्तान भी इस चीज़ को देखता है कि
पुरअमन अफगानिस्तान हमारे हक में है, लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूँ आपको कि अमेरिकन ट्रूप सारे जाएंगे लेकिन वहाँ पे कुछ ट्रूप्स रहेंगे जो इस वो पहले वाला वैक्यूम ना क्रिएट हो सके, जिसको बार बार अमेरिकन सियासतदानों ने भी कहा है कि पिछली गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। मेरे ख्याल में कुछ ट्रूप्स रहेंगे। और दूसरा, ट्रूप्स का इनखला हतमी नहीं होता, इनको ज़रूरत के मुताबिक दोबारा रिवाइज़ किया जाता है। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी लेटली कुछ और ट्रूप्स अफगानिस्तान में भेजे हैं जो कि यमन में और सऊदी रिलेशनशिप में सऊदी अरेबिया को थ्रेट थी, इराक को थ्रेट थी। तो इस तरीके से ट्रूप्स का आना जाना तो लगा रहता है, हतमी चीज़ें नहीं होती। अगर हालात ख़राब होंगे तो ट्रूप्स वापस आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल 2020 इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप साहब का बैंडेड का हिस्सा था कि ट्रूप्स वापस लाना, वो उसके सियासी मकासद हैं जो कि वो अचीव कर रहे हैं। शुरू से डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि वादे करके आए थे और वो अपने पिछले टर्म में उन्होंने अपने मैंडेट को भरपूर तरीके से डिलीवर किया। अच्छा साजिद साहब, अब जो इसके बाद, क्योंकि हम अफगानिस्तान के हवाले से ही बात कर रहे थे अभी तक, तो बेसिक तौर पे एजेंडा क्या अफगानिस्तान और के अंदर मामलात ही हैं या फिर जो वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा है अमेरिका का, इसमें और मामलात भी जेर बहस आएंगे? मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद IMF, वर्ल्ड बैंक, मेरे ख्याल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कश्मीर के बारे में भी बात होगी, मेरे ख्याल में मैं समझ रहा हूँ आफिया सदीकी के बारे में बात होगी, इसी यहीं पे शकील अफरीदी की बात होगी, और दूसरा इस रीजन में अमन में और इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिलखसूस इस चीज़ का हिस्सा होगा, क्योंकि अभी लेटली हम इंडिया और पाकिस्तान के तनाव वाले रिलेशनशिप से बाहर आए हैं। मेरा ख्याल ये सारी चीज़ें टेबल पर होंगी। और प्रेजिडेंट ट्रंप, बिकॉज ही इज़ अ प्रेजिडेंट ऑफ द ओनली द सोल सुपर पावर ऑन द प्लानट, वो इस पूरे रीजन को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें टेबल पे होंगी। और लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल ट्रिप। पाक चाइना की ताल्लुकात की आपने बात की, उस हवाले से भी बात करूंगा, सी पैक के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा फाइनेंशियल एड के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है और इस वक्त अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को सरमायाकारी की, चाहे वो एड की सूरत में हो, लोन की सूरत में हो। तो अमेरिका ने वैसे यूजली यही देखा गया है कि चाइना से हमें लोन मिलते हैं, अमेरिका हमें बाकायदा एड देता है, तो इस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान है? मेरा ख्याल में जिस तरीके से पिछले 20 सालों में या 25 सालों में पाकिस्तान को माशी दहशतगर्दी का एक पाकिस्तान शिकार रहा है, इसमें एक्सटर्नल नहीं इंटरनल काफ़ी इशूज़ हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान साहब के पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अकाउंटेबिलिटी का है। मैं देख रहा हूं कि जिसके सिलसिले में वो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं और सो फार ही इज़ मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और अमेरिका भी चाहेगा इन द फ्यूचर कि अगर सी पैक की तरफ से कोई ना कोई अल्टरनेट आए। मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं पाकिस्तान को ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, हमारी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन बराक ओबामा पीरियड में फॉरेन पॉलिसी में कमज़ोर थे और दो जिन बोतल से बाहर निकले थे, चाइना सी पैक और वो उन्होंने साउथ चाइना सी में बैरक्स बनाई, रशिया यूक्रेन में गया, क्रीमिया में गया और सीरिया में गया। तो ये सिर्फ दूसरे कंट्रीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते। अमेरिका वाज वेरी क्लोज टू लूज देयर टाइटल ऑफ बीइंग द सोल सुपर पावर, ये उनका स्टेटस को थ्रेट थी पिछले 8 सालों में। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ अ सीरियस प्रेजिडेंट एंड ही इज़ फोकसिंग ऑन द फॉरन पॉलिसी एंड द मिडल ईस्ट। और उनका पहला ट्रिप जो था इंटरनेशनल स्टार्टिंग फ्राम द सऊदी अरेबिया रिफ्लेक्ट्स के वो मिडल ईस्ट में एक अहम रोल अदा करना चाहते हैं और इस रीजन में एक अहम रोल अदा करना चाहते हैं। यहाँ पे बिलखसूस मैं ये भी बताऊंगा कि उनका एक इमेज जो क्रिएट किया जाता है कि ही इज़ वेरी रफ, ही इज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स, उन्होंने लेटली अभी जो ड्रोन का मसला ईरान के साथ हुआ था उन्होंने साबित किया कि इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। उन्होंने कहा था कि हमारा अनमैंड प्लेन गिरा है, उसके रिटेलिएशन में वी वॉन्ट किल द पीपल। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि हाउ सीरियस He is about the foreign policy and the Middle East. अच्छा, अब थोड़ी सी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के हवाले से ही बात कर लेते हैं। अमेरिका पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को कैसे देखता है? हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं चाइना के साथ, पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, इससे पहले की गवर्नमेंट के में तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो इस वक्त जो सी पैक की बात आप कर रहे थे, उस मंसूबे को कैसे देखता है अमेरिका? थोड़ा स्लो डाउन तो हो गया है। और गवादर पोर्ट के हवाले से क्या तहफ़ुज़ात हैं, सी पैक के हवाले से क्या अमेरिका के तहफ़ुज़ात हैं भी कि नहीं हैं? सी पैक को अमेरिका वेरी क्रिटिकल देखता है, वो इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये बराक ओबामा पीरियड की प्रोडक्ट्स हैं,
चाइना ने सी पैक के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान 73 डिफरेंट कंट्रीज को लपेट में लेने की कोशिश की, और जाहिर है अमेरिका जिनका इंटरेस्ट है इस रीजन में वो इस तरह बैठ के नहीं देखेगा। यहाँ पे ज़रूरी था चाइना की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेना और इस चीज़ और उनको भी टेबल पे ला के नेगोशिएट करना। मेरे ख्याल में बिल्कुल, और बिल्कुल मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा कि सी पैक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट वॉज़ वेरी पुअरली नेगोशिएटेड। लोन टर्म्स वर नॉट इन अ फेवर ऑफ पाकिस्तान और दूसरे स्टेप्स अच्छे नहीं थे, और इनको चाहिए था पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पिछली गवर्नमेंट जो कि पनामा लीक्स में ज़्यादा बिजी रही, उनको चाहिए था कि वो इन टर्म्स को डिस्क्लोज करते, अवाम को, पाकिस्तान को इत्माद में लेते। अच्छा, इस वक्त जो ट्रंप इंतजामिया है वो क्या चाहती है, सी पैक को क्लोज डाउन कर दिया जाए, स्लो डाउन किया जाए, या क्या क्या ख्यालात हैं सी पैक के हवाले से इस वक्त अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के? देखें, इस केस नो क्वेश्चन अबाउट इट, अमेरिकन अभी देख रहे हैं कि इस चीज़ को किस तरीके से देखा जाए, लेकिन अभी कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन दे आर लुकिंग द सिचुएशन हाउ टू हैंडल इट, बट इट्स अ केएस। अब गवादर पोर्ट को कैसे देखते हैं आप? गवादर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक पोर्ट है पाकिस्तान के लिए, सी पैक हो जाता है फिर तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल वैसे भी बतौर पोर्ट भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए एसेट है, तो क्या समझते हैं जो अमेरिका है वो इस पोर्ट को कैसे देख रहा है? मैं ग्वादर पोर्ट के हवाले से आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हाउ चाइना ऑपरेट्स। चाइना ने श्रीलंका को पोर्ट बना के लोन दिए थे, तो वो उनकी पेमेंट्स नहीं दे सके, तो उन्होंने उनकी पोर्ट ले ली थी। तो मेरे पर्सनल ख्याल में, एज ए बींग पाकिस्तानी, स्पेशली ए वेरी पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में ये चाहिए था कि पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को खुद इस्टेब्लिश करता और अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन उसको एक फॉरेन सुपर पावर के हाथों में दे देने से ना सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए उसको एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि ग्वादर की सिचुएशन को रिवाइज करे और दोबारा इसको नेगोशिएट। अब क्या समझते हैं सर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दो सुपर पावर्स की जंग में हम लोग बीच में घास का किरदार अदा कर रहे हैं, हाथियों की लड़ाई है और बीच में नुकसान घास का हो रहा है? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की 72 साल के रिलेशनशिप है। दूसरा, जिस तरह आपने खुद पहले फरमाया है कि लोन और एड्स और ग्रांट्स में बड़ा फर्क होता है, अमेरिका हमेशा एक एलाइज की तरह पाकिस्तान को ग्रांट्स और एड देता रहा है, लेकिन चाइना के बदले भी तो अब देखें ना सर, दो चीजें हैं ना, हमें जहां पे लोन मिल रहा है वहां पर हमारी खुद मुख्तारी नहीं जा रही है, जहां पे हमें एड मिल रही है वहां पे खुद मुख्तारी, आपको पता ही है जो कुछ मुशर्रफ दौर में होता रहा, पोर्ट्स की बात की जाए, बंदों के हवाले से अभी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, वो अमेरिका ने भी हमसे फायदे उठाए। आई नो कि वो स्टेट्स जो होती है वो कोई भी बिना फायदे के बात तो करती है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने बहुत सी चीजें दी भी तो हैं, उस अगर वो एड हम तक आई है। देखें, अगर जिस तरीके से सी पैक की डील को पूरली निगोशिएट किया गया पूरली, और दूसरा उसके बदले में आपने अब पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज़ ज़बान सिखाने के स्कूल खोले, आपने बैंक ऑफ चाइना को लेकर आप आए, आपने उनकी हर कंपनी को ओपन ग्रीन सिग्नल दिया कि आएँ और आप यहाँ पर अपने बिजनेस को करें। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, चाइना वाज गेनिंग एन इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान और इट वाज ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक ए चाइनीज कॉलोनी। आप किसी शहर में जाएं आपको हर जगह चाइनीज नजर आ रहे हैं, बेशुमार तादाद में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह आपने देखा कि लेटली जो शादियों का स्कैंडल था वो किस तरीके बुरे तरीके से सामने आया। तो मेरे ख्याल में एक इम्पैक्ट से 72 साल के रिलेशनशिप्स में आपको इस तरह नजर नहीं आया कि अमेरिका पाकिस्तान को कॉलोनी बनाना चाहे। लेकिन और दूसरा, पाकिस्तान के साथ चाइना के जो भी रिलेशनशिप हैं दे आर बिजनेस रिलेशनशिप, और उन बिजनेस रिलेशनशिप्स को आपने खुल के अवाम को एतमाद में नहीं लिया, वो सी पैक के आपने कॉन्ट्रैक्ट को ओपन नहीं किया, उनकी डील लोगों को नहीं बताई गई। तो ये सारे इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, पाकिस्तान हैज़ टू सी इट, रिवाइज इट एंड रीथिंक अबाउट इट। अच्छा, अब जो दावत दी गई है रशिया की जानिब से भी आई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, अब जो रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, क्या ये अगर अच्छे होते हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हैं तो ये कहीं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे, अभी जो हमारे वज़ीर आज़म जाएंगे अमेरिका में, तो वो अफेक्ट उसकी तरफ तो नहीं जाएगा? देखिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप, ये भी सोचना चाहिए कि हाउ क्लोज इंडिया रशिया के साथ कितना नज़दीक है, और उनको देखना चाहिए कि अमेरिका इज़ द सुपर पावर, रशिया उनके अपने वसाइल क्या हैं, और पाकिस्तान को किस किस्म का पैकेज वो
ऑफर कर सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन मैं ये समझूंगा कि पाकिस्तान को अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और पिछले रिलेशनशिप को अबैंडन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं पाकिस्तान में अमेरिका के प्रोजेक्ट, यूएस एड के प्रोजेक्ट्स, उनके ग्रांट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप और उनकी ट्रेनिंग जो थी सारी अमेरिका से होकर आती रही थी, तो इन सब चीजों को स्लोली ग्रेजुअली देखना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर पाकिस्तान। ऑलराइट, अब कुछ इंडिया की आपने बात की, उसी हवाले से ही मैं बात कर लेता हूँ। एक तो जो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो कोई धक्के छुपे नहीं है। हम लोग अजली जब से हम लोग दोनों जब से मारज वजूद में आए हैं उस वक्त से ही इख्तलाफात चल रहे हैं, जंगें हो चुकी हैं हमारी। एक अमरीका क्या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का सोचता है और क्या मुमकिन भी है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी? देखिए, मैंने अभी एक लिटरली बुक लिखी है जो अभी कुछ दिनों में मार्केट में आएगी, डेमोक्रेसी के बारे में, जमहूरियत के बारे में, फ्लॉज ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो उसमें मैंने एक चैप्टर इंडियन जमहूरियत के बारे में भी लिखा कि जिस तरीके से ये पिछले इलेक्शन हुए हैं, अब जमहूरियत को किस किस्म के चैलेंजेस हैं इंडिया में। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के, जिस तरीके से उन्होंने अपने मिलिट्री को एक्सरसाइज किया इलेक्शन के लिए, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में एक फ़जा बनाई कि इफ़ यू आर एंटी नरेंद्र मोदी, यू आर एंटी इंडिया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन मुझे पता था इस बात का और मैं आपको बावर कराता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप बेहतर होंगे। इट वॉज जस्ट ड्रामा फॉर द इलेक्शन, लेकिन जो कि मैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ इट। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को पता है इस बात का कि वो अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, ये स्लोली ग्रेजुअली रिलेशनशिप। और दोनों एटॉमिक पावर्स भी हैं, अब ना सिर्फ हम पड़ोसी हैं बल्कि दुश्मन भी हैं और साथ साथ एटॉमिक पावर्स भी हैं, और कोई भी दोनों जानिब से कुछ भी गलत कदम उठता है तो पूरी दुनिया पे वो इफेक्ट कर सकता है। एनी हाउ, अब मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा इंडियन लॉबी की इन अमेरिका, वो कितनी स्ट्रांग है, और अब पाकिस्तान की लॉबी का अगर उनके साथ मवाजना किया जाए तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं? खबरें यही आती हैं, बातें यही होती हैं कि पाकिस्तान की लॉबी जो है बहुत कमजोर है। क्या समझते हैं, एक तो वो कमजोर क्यों है, दूसरा मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैं देखें, कंपैरिजन तो तब किया जाता है कि अगर पाकिस्तान की लॉबी हो वहां पे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको छोटी सी मैं एक बात बताऊंगा जो कि मेरे ख्याल में मुझे एक ह्यूज थ्रेट नजर आ रही है पाकिस्तान के लिए। वो ये है कि सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन्स अब 5 कांग्रेसमैन बन चुके हैं, 2 सूबों के 2 स्टेट्स के गवर्नर थे जो कि दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, और 10 मेजर एटलीस्ट 10 मेजर कंपनीज जो फॉर्चून 500 है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मास्टर कार्ड, इनके CEO जो हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं ये, और वो सभी लोग और व्हाइट हाउस के अंदर अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट में अपॉइंटमेंट्स, वो बिल्कुल एक नर्व अमेरिका के नर्व सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ह्यूज थ्रेट है। अब दूसरी तरफ आप बात करते हैं पाकिस्तान लॉबी की, पाकिस्तान की लॉबी इंडिया अमेरिका में मौजूद ही नहीं है, और व्हाइट हाउस सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन रहा है। मुझे नहीं पता इस तरीके से आगे पाकिस्तान किस तरह अपनी आवाज बाहर निकाल सकेगा। मैंने कोशिश की है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और दूसरी इंस्टीट्यूशंस को पाकिस्तान में बताने में कि आप एक कमरे के अंदर आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे आप उसको नहीं बेच सकेंगे। पाकिस्तान आज तक इसकी मार्केटिंग नहीं कर सका कि ये नया पाकिस्तान है, अब हम दहशतगर्दी से बाहर निकल चुके हैं या निकलना चाहते हैं, ये इस चीज़ को आप बावर नहीं करा सके। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन, पिछली गवर्नमेंट्स या तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं थे या उनका इंटरेस्ट ही नहीं था, वो इंटरनल अपने इंटरनल पनामा लीक्स और दूसरी करप्शन रिलेटेड चीज़ों के साथ बिजी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का जिसको चेंज करना पड़ेगा, जिसको रिवाइज करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हमारे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं वो कितने सक्सेसफुल हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे एक और नेक्स्ट सवाल मैं जो करना चाहूंगा इंडियन लॉबी के हवाले से, वो ये है कि इंडियन लॉबी जो वहां पे है वो एंटायर पाकिस्तान है या फिर वो ये भी सोचते हैं कि जो पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो वो ओवरऑल खित्ते के लिए बेहतरी है, दोनों ममालिक के लिए, एक तो बेहतरी है दूसरी खित्ते के लिए बेहतरी है। हम लोग डिफेंस बजट में दोनों ममालिक इतना खर्च करते हैं वो बचत हो सकती है, क्या इस तरह की सोच भी मौजूद है? अगर हम आपस में तिजारत शुरू कर दें, ताल्लुकात अच्छे होंगे, तिजारत अच्छी होगी, अगर हमें फायदा होगा तो उनको भी फायदा होगा, उनका वहां पर किसान है, हमारे यहाँ पे किसान है, वहां पर चीजें प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पर चीजें प्रोड्यूस होती हैं, आपस में एक्सचेंज होंगी चीजें, आपस में जो हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारी जो डिफेंस पे बजट है उसमें कमी आएगी, जो गरीब आवाम वहां पर मौजूद है और यहां पर मौजूद है
है उन पे वो बजट लगेगा और उससे ओवरऑल ममालिक में बेहतरी आएगी, आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। तो इस हवाले से भी कुछ सोच वहां पे, अगर इंडिया की लॉबी इतनी मजबूत है, उस लॉबी के अंदर ये सोच भी क्या मौजूद है? अमेरिका में जो इंडियन लॉबी है उनके हालात यही हैं, वो हमेशा चलते हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप के साथ। बिल्कुल इसी तरह है कि जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है और जिस तरह लोग बैठे होते हैं उसी तरीके से उनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं। अगर तो पाकिस्तान जिस तरह जंग के हालात में था तो दे वर वेरी टेंस विद इट, और जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को नॉर्मलाइज होते हैं तो उसका इंपैक्ट इंडियन लॉबी पे होता है वहां पे अमेरिका में, वो बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन इस थ्रेट वो थ्रेट एक मौजूद रहेगी जब तक हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन वहां पे यूनाइटेड नहीं होते और यूनाइटेड होके वहां लॉ मेकर्स प्रोड्यूस नहीं करते। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है अमेरिका में कि वहां पे एक या दो पाकिस्तानी डिसेंट के कांग्रेसमैन हो जो पाकिस्तान का केस जो है वो लड़ सकें, लोगों को बता सकें कि वी आर अगेंस्ट द टेररिज्म, वी आर अ पीस लविंग पीपल, हम सारे दहशतगर्द नहीं हैं। तो इस चीज की अशद जरूरत है। और मैं बिल्कुल मुख्तलिफ चैनल्स पर जाके अपने पाकिस्तानी अमेरिकन को कहता रहा हूँ कि आप अपनी वहां पर पोलिटिकल अरीना में अपनी प्रेजेंस फील कराएं, अपने लॉ मेकर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको लेटर लिखें और मेक श्योर करें कि पाकिस्तान का केस जो है वो भी वहां पे कोई टेबल पर हो। तो सर इसकी आपने भी बात की, हम लोग भी बात करते रहते हैं, ओवरऑल हर किसी को बल्कि पता है जब भी इंटरनेशनल बात होती है हमें पता है कि इंडिया की लॉबी इस वक्त अमेरिका में बहुत मजबूत है। तो क्या विल पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिखाई जा रही वहां पर? क्या वजूहत है कि पाकिस्तान इस पर काम नहीं कर रहा है? देखिए उसमें दो तीन इम्पैक्ट है। एक तो इंडिया हमसे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, उसी बैलेंस से उसी परसेंटेज से इंडियंस की पॉपुलेशन अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। दूसरा वहाँ जो मैंने ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे कम टू अमेरिका विद द हाई विद अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड नंबर टू, और नंबर तीन उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़े हैं कि पाकिस्तानी सीईओज वर्सेस इंडियन सीईओज, तो वो कंक्लूड यही करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज मच स्ट्रॉन्गर, इज मोर कंपेरेटिव एंड द क्वालिटी पीपल दे मूव टू इंडिया एंड दिस इज हाउ द अमेरिकन्स दे रिस्पेक्ट इंडियंस मोर वर्सेस पाकिस्तानीज। ऑलराइट, थोड़ा सा सर मैं चाहूंगा कि हम पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से ही बात करें जो कि अमेरिका में मौजूद है, उसके हालात कैसे हैं? कुछ अच्छी खबरें उस हवाले से भी नहीं आ रही हैं, आप वहाँ पर मौजूद है तो ये क्या उनके इस वक्त एम्बेसी के हालात हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी के इन अमेरिका? इस वक्त ज़ाती तौर पर मैं बताऊं, मैं डॉक्टर असद मजीद साहब जो कि वहाँ पे हमारे अभी रीसेंट एम्बेसडर हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ काफ़ी अरसे से, हमने इकट्ठे लॉ स्कूल में क्लासमेट थे। ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला किया गया है कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो कि फॉरेन सर्विस ऑफिसर है जिसकी सारी ज़िंदगी फॉरेन पॉलिसी के आस पास गुजरी है, उसको वहाँ पर उन्होंने एम्बेसडर लगाया, और उनके पास PhD इन इकनॉमिक्स फ्रॉम जापान जो कि एक बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, और बहुत मंझे हुए सफारतकार हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक दो दिन में पुराना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकते, उनको टाइम लगेगा, लेकिन ही इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। चलें होपफुली हमारे वहाँ पर जो एम्बेसी है उसके हालात भी बेहतर होंगे और वहाँ पर जो पाकिस्तान की जो लॉबी है वो भी बेहतर होगी, पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, वो भी हमारे लिए भलाई में है, और इंडिया से ताल्लुकात भी हमारे अच्छे होंगे, और उम्मीद और दुआ यही है कि अफगानिस्तान में अमन अमल जो है वो चढ़े। साजिद तारिक साहब आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही कैपिटल स्पेशल से मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।